हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्यू रिव्यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्बिट के इस च्युइंग गम के बारे में। सो बेसिकली हम इस प्रोडक्ट के क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, टेस्ट एंड एलर्जी के एडवाइस हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी इस इंप्रेशन के अंडर है कि मेरी जो वीडियोज़ होती है वो प्रमोशन के लिए या पेड वीडियोज़ है, सो डेफिनेटली नॉट। आज तक मेरी कोई भी वीडियो पेड वीडियो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इट क्लेम्स कि ये शुगर फ्री प्रोडक्ट है एंड इसमें बहुत सारे जो फ्रूट्स है उसका इस्तेमाल किया गया है। सो एंड अगेन दिस इज़ अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँ कि यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्लियरली वहाँ पर लिखा है इट डज़ नॉट कंटेन एनी फ्रूट। और यस, चलिए अब थोड़ी सी और जो डिटेल्स है वो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ये आपको पीछे की तरफ यहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ हियर, बहुत ही क्लियर शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो इससे आपकी जो तबीयत है या जो आपका पेट है वो ख़राब हो सकता है। एंड क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि प्रेग्नेंट वूमेन के लिए और जिसका बच्चा है या बच्चों के लिए ये डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें पोटेशियम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। सो यस, टेक्निकली देखा जाए तो इसमें कोई भी हेल्दी चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं इस प्रोडक्ट में इसको बनाने के लिए। एंड बच्चे और जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकती हैं। और अगर जनरली भी आप इसे ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं तो इससे आपकी जो तबीयत है या आपका जो पेट है वो ख़राब हो सकता है या आपको डायरिया जैसी कोई बीमारी हो सकती है। सो एनी विच वेज, हमारा काम है रिव्यू करना, तो लेट्स चेक द टेस्ट। इसका जो क्वांटिटी है, इसकी जो क्वालिटी है वो हम देखते हैं कि कैसी है। तो यस, ये 5 रुपीज़ का पूरा प्रोडक्ट आता है, ये पूरा पैकेट। और आप देख सकते हैं इसमें आपको ऐसी 4 बड़े बड़े च्युइंग गम्स मिल रहे हैं। एंड इट क्लेम्स कि ये जो फ्लेवर्स है इसमें बहुत सारे फ्रूट्स यूज़ किए गए। तो मैं एक बार तोड़कर आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। सो बेसिकली ऐसा कुछ कलर्स मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द टेस्ट ऑल्सो। तो चलिए टेस्ट करते देखते हैं इसमें कितने फ्रूट्स हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके गाइस, अब टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली एक च्युइंग गम मैं आपको इसे च्यू करके थ्रो कर देना होता है। बट जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था कि उसमें बहुत सारे मल्टी फ्रूट फ्लेवर्स हैं फ्रूट्स के, सो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसे खाया है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि मुझे किसी भी तरह के फ्रूट का टेस्ट इसमें आया है। जहाँ तक बात प्रॉपर टेस्ट की भी हुई तो इट इज़ काइंड ऑफ टेस्टलेस। मुझे इतना कुछ खास ये प्रोडक्ट लगा नहीं। क्वांटिटी इज़ फाइन, क्वालिटी इज़ ओके, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर हेल्थ। और जिस तरह की चीज़ें इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल की गई हैं, क्लियरली लिखा है कि बच्चे खा नहीं सकते, अगर ज़्यादा आप अमाउंट में खाओगे तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा, एक्सपेक्टिंग मदर्स नहीं खा सकते। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट टू ट्राई। एनी विच वेज, आपकी चॉइस है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं यू कैन